अच्छा भाईजन करो नोट, है थोड़ी मेहरबानी। कितनों को अगली एडजस्टमेंट भी पोस्ट कर दिया, हाथ खड़ा करें। एक साहब, एक ने अगली एडजस्टमेंट भी पोस्ट कर दी। ये अगली दफा फॉर्मेट बना के बच्चों को देना, दे 5 सफ़ों का, तो उसमें से फिगरें डालनी हो। आप सारे सवालों के फॉर्मेट एक ही दफा ले लें। अच्छा छोटा भाई छोटी बहन बढ़ के आएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद की छुट्टियों में भाई आ गए हैं, आपका बैग पकड़ेंगे, आपका बैग पकड़ के भाग के जाके आपके कमरे में रखेंगे, आपको भेज के दरवाजा बंद कर देंगे। अम्मी अब उन्हें पहले से ही बताया होगा इसको मलांग को छेड़ना नहीं है। 3 4 दिन ना इसने ये पूरे जो पढ़ा मैंने IAS 12 12 और कंसोलिडेशन, इसने इसको रगड़े लगाने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट, IFRS 15, IAS 10 37, इनके तो अपने मसले खड़े होने हैं अगस्त के महीने में। अगस्त में तो आप लोग वो रिवाइज कर रहे होंगे, तो जो आखिरी महीने की छुट्टियां मिलेंगी अगस्त में, तो आप लोग वो रिवाइज कर रहे होंगे, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली अगर किसी बंदे को दे दिया जाए ना 2 दिन, 2 दिन 16 जमा 16 घंटे, तो एक सब्जेक्ट को ये फारग कर सकता है बिल्कुल। 5 5 घंटे हर सब्जेक्ट के पास पेपर करके कंफर्टेबली फारग कर सकता है सब्जेक्ट पूरा। अच्छा खामोश। एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर, आप इधर क्या करें। S declared a dividend before year end. P has correctly recorded that 30. P ने अपना शेयर ही रिकॉर्ड किया होगा ना जो कागज पर रुकड़ा आया। However, S has yet not recorded. S ने अभी तक रिकॉर्ड, लेकिन किसने रिकॉर्ड कर लिया? तो मुझे P की किताबों में एंट्री ना बताएं। S ने रिकॉर्ड नहीं किया। फुल होता है या ओन शेयर? ये दो लफ्ज बोलने था बार बार। ये एंट्री फुल से होती है, ये ओन शेयर से, ये भी ओन शेयर से, पी के शेयर से। अच्छा जी, ये एंट्री फुल से होगी, ये एंट्री पार्शियल से, ये भी पार्शियल से। शेयर कैपिटल फुल डिविडेंड बताएं 50। इसने एंट्री नहीं की, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 50 रुपए से। सॉरी, अब ये ना कहिएगा कि पेरेंट की किताबों में रिसीवेबल नहीं आ रहा तो आप उसको क्यों कैंसिल कर रहे हैं। सवाल ने लिखा हुआ है पेरेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री कर चुका है, तो थोड़ा सा सोचें, पेरेंट की किताबों में 30 का रिसीवेबल आ रहा होगा और सब्सिडरी की किताबों में हमने एंट्री करने के बाद 30 का पेएबल डाल दिया टुवर्ड्स पेरेंट। शायद ये एंट्री हो चुकी है, इसका रिसीवेबल मैं खत्म कर रहा हूं, और ये एंट्री हमने खुद की है, इसमें सिर्फ 30 का पेएबल खत्म करें, कैंसलेशन की एंट्री। एंट्रीज पोस्ट कर लें ब्लू मार्कर। सब्सिडरी, तूने डिविडेंड बांटा था, तुझे रिकॉर्ड करना भूल गया, मुझे भूलने की बीमारी है। SRE डेबिट, बांट देती हूं, बांट देती हूं पेएबल क्रेडिट। श्योर तुम्हें कोई मसला? कहते मुझे इंशाल्लाह अगली एडजस्टमेंट में मसला होगा। अच्छा हमने कहा चलो ठीक है, अभी कोई मसला? कहते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे चीजें याद रहती हैं। अब अगली एंट्री तो आपके लिए एक तोहफा है, रिसीवेबल पहले क्रेडिट किया करें और बाद में पेएबल डेबिट किया करें। यस इट्स टाइम टू टेक अ पैक। आज दो सवाल होमवर्क में है, क्योंकि दूसरा जो सवाल है अगला उसमें सिर्फ एक डिविडेंड की एडजस्टमेंट है, तो बेशक जबानी कर लीजिएगा। दूसरा सवाल, पहला सवाल आपका मेन है, अगला जो भी होगा 13 14 13 14 होमवर्क में है। हाँ जी ओके।
बैलेंस शीट टैली कर लीजिएगा, इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। कंपनी तो वैसे वैसे भी किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेती। पॉइंट डी, वैसे सीए में पता नहीं है हम लोगों को होता था, किसी कोई सब्जेक्ट अगर रह गया 6 महीने तैयारी करके जाके भी डर ही होता था यार, ऐसे भी पता नहीं क्यों। आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता ना, आप लोगों तो माशाल्लाह जब 6 महीने का दोबारा तैयारी कर लेते हैं, किसी को खुदा ना खास कभी करनी पड़ी हो कि बंदा चलो तेज तो निकल ही जाएगा इंशाल्लाह। हमें तो उधर डर ही लगा होता था। अच्छा जी, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी, ऐसे तो नहीं 10-12 हज़ार 13 हज़ार सी अभी तक पाकिस्तान में, तो डॉक्टर ही हर साल 10-12 हज़ार इंजीनियर बन जाते होंगे। 10-12 हज़ार जब से आई कैप बने, 12-13 हज़ार सी ए बने, देखे ना साथ वाले को। जी मैं अपना क्या, मैंने पढ़ के पास किया। पॉइंट नंबर डी, बरकत मार्केट के इशारे पे एक दिन जा रहा था, आई कैप का प्रेजिडेंट जा रहा था, उसने कहा ये लो, मैंने कहा अच्छा ये मेरा, वो दिन और आज का दिन। पॉइंट नंबर डी, सरासी मेरे साथ थे मोटरसाइकिल पे। पॉइंट नंबर डी, एस डिक्लेयर अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, एस ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, एस हैज करेक्टली रिकॉर्डेड। हाँ नोट नहीं करना यार, ये बंदा बड़ा तेज है भाई, खड़े हो जा। आप बोले थे ना दोगे अपना रेट खुद ही 500। भाई यही है, इसको हंसने का मसला है भाई यार। अच्छा कौन बोला था ये, प्लीज प्लीज पुरवकार जिंदगी गुजारें। कई दफ़े ऐसे होते हैं कि आप कहीं खड़े होते हैं बाजार में, कॉलेज में, कहीं भी, तो इस नीयत से आप ऊंची ऊंची बोल रहे होते हैं कि लोग मेरी तरफ देखें, और कुछ लोगों के अंदर होती है ये चीज़, तो बस शो ऑफ नहीं, आप लोगों की बात नहीं करा, ऐसे कुछ लोग होते होंगे इसलिए फिर इसकी थोड़ा सा बाहर निकल आए। बस में बैठे हुए हैं फिर भी बातें चाहते हैं ऐसे कर रहे हैं कि लोग मेरी तरफ देखें। चलें जी आगे, पॉइंट नंबर डी नोट कर लें, 1 मिनट लगाइएगा। जरे आपके दोस्त ने हाथ में अपना हाथ पकड़ लिया और जरे आपके दोस्त ने लेफ्ट, उन्होंने बॉल पॉइंट से लेके बॉल पॉइंट को फिर छोड़ दिया। यार तेरे जूते की नोक अगली रो में जाके नजर आ रही है मुझे, जरे आपके दोस्त और थोड़ा जैन जैन थोड़ा सा और पांव ऊपर करो भाई, ये इस तरह क्यों हवा दे रहे हो, इसी नहीं चल रहा। अच्छा आज रखें जरा साथ वाले के सर पे हाथ, अब स्मेल करें कौन सा ऑयल लगा हुआ है। स्मेल सरों का तो नेचुरल है, सरों का तो होना चाहिए, तारा मीरा का ना हो। अच्छा एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, कोई अंडा भी लगा के सर पे फिर रहे होते हैं। एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, एस ने दही याद चढ़ दो यार, एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, एस हैज करेक्टली रिकॉर्डेड द डिविडेंड। भैया ने कहा सरताज जमाना बदल गया, मीनू नहीं पुलंदी बीमारी, हाउएवर पेरेंट हैज येट नॉट अकाउंटेड फॉर डिविडेंड, पेरेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया। अब 50 की एंट्री नहीं हुई या 30 की एंट्री नहीं हुई, 30 की एंट्री नहीं हुई, तो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम या अदर इनकम क्रेडिट सीआई 550 तो उसने बांटा था, मुझे सिर्फ मिलना था 30, तो मैं तो 30 की एंट्री कर सकता हूं, मैंने दूसरे के हक पे इतने डाका डाला, मैं सिर्फ 30 की एंट्री कर सकता हूं। कंसोलिडेशन के एंगल से एक पक्की ठकी एंट्री है, रिसीवेबल को पहले खत्म करें फिर पेएबल को खत्म करें। क्या पसंद करेंगे, ब्लू या रेड? ब्लू। पेरेंट तुम्हें याद नहीं था कि तुमने 30 रिसीवेबल बुक करना है और खुशी रिकॉर्ड करनी है, बीवी फॉरन वाली मीनू याद से, सॉरी हमने बीवी को जरा शो में शोखी ना मारो, गए जब
आगे ये लोग ना क्रेडिट भी ले रहे होते हैं फौरन, किस तरह की बात चली ना। नहीं मैं तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना 10 साल से मैंने तो फौरन लोगों के सामने अपनी तारीफ सराव उधर खड़े मौके भी करनी होती है। अच्छा जी, कंसोलिडेशन के एंगल आप नहीं ऐसे लोग देखे कभी जिंदगी में? अच्छा, कंसोलिडेशन के एंगल से एंट्री करें। बोले बोले बोले, रिसीवेबल क्रेडिट और पेएबल डेबिट, इधर से क्यों 30 माइनस करें? इधर तो कहीं हमने कुछ रखा ही नहीं, उसने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया होगा। पांच तस्वीरें भेजनी है अब्बू को आपने आज। किसी के वाले दुनिया से चले गए, चचा से अच्छा सलूक करें, अब्बू के दोस्तों से अच्छा सलूक करें, वालिदैन के फरमा बरदारों में शुमार होंगे। क्या कह रहे हैं? अच्छा, बात को संजीदा रखा करें। पॉइंट ही जी भाई, क्या मसला है? अच्छा ये जरा सोचें, इसका क्या करना है? थोड़ा सा सोचना है। एस पेड डिविडेंड बिफोर, यहां ना मैं ऑलरेडी पास्ट एंट्री लिखने लगा हूं, माजरत, ऑलरेडी पास्ट एंट्री लिखने लगा, अभी मैं लिख नहीं रहा था क्योंकि लिखने का फायदा कोई नहीं था। Already passed cash debit receivable receivable direct उसने pay किया तो cash debit debit income credit दो entries कर लें फिर वो हमने receivable debit income credit receivable credit फिर बस। If you have paid then I have unless के सवाल कह दें in transit है वो फिर और बात है। If you have paid so I have, बीबी कह रही है मैंने pay कर दिया तो शोर क्या कह रहा होगा? मैंने रिसीव कर लिया, ऑब्वियसली पूरा 50 तो नहीं किया होगा इसने, तो 30 ही रिसीव किया होगा ऑलरेडी। अब ये पेपर में करके नहीं दिखानी होती, इसे समझने के लिए ऑलरेडी पास्ट डिविडेंड डेबिट या आरई डेबिट 50 फुल डिविडेंड, ये तो दोनों पास हो गए ना, क्या करूं इधर? इन दोनों को तो कुछ नहीं करना। अब कंसोलिडेशन के एंगल से कितना रिसीवेबल पेबल? अच्छा कैश नहीं कैंसिल होता जी, जिंदगी में याद रखिए कभी कैश नहीं कैंसिल होता, कि तेरे वाले नोट वो जो मैंने पहुंचे थे वो तेरे पास पहुंचे हुए, वो वाले नोट जरा नंबर चेक करके बता, इस तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो देर इज नो करंट एसेट और देर इज नो करंट लाइबिलिटी, तो नो रिसीवेबल पेबल, सो नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। ओह वो नहीं मिटाया हुआ था मैंने, सो नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। के पास कल एक सवाल, एक मिनट ई तो लिख लेने दे, फिर तस्वीर बनेगी। कुछ भी नहीं होना, ये दोनों एंट्रीज ऑलरेडी पास्ट हैं, रिसीवेबल पेएबल कैंसिल नहीं हो सकते। हाँ जी क्या? ये समझ नहीं आई, नोट करेंगे नहीं कर ले। अच्छा पेपर में ये वाली वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, तो पेपर में ये एडजस्टमेंट आया करेगी, इसे हम इग्नोर कर दिया करेंगे। जैसे बिरयानी के देग में आप गर्दन की बोटी इग्नोर करते हैं ना, इग्नोर किया करें, फिर क्या कसूर है, खा लिया करें उसको, कुछ लोग तो शौक से खा लेते हैं, ऐसे ना किया करें, पड़ी रहती है पूरा दिन, अगले दिन फ्रिज में चली जाती है, मम्मी भी सोच रही थी किसी ने नहीं खाई। कितना कोशिश करते हैं बहन भाई को अच्छी चीज़ दें पहले, कितने लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। बाहर से खा पी के आते हैं ताकि बहन भाई को पता ही ना चले। छोटी छोटी चीज़ों पे आप उन्हें खुश कर सकते हैं, आप लोग करते हैं। सिर्फ आपने बर्गर खाया उसका 25% जाके ले जाएंगे वो खुश हो जाएगा, इसी बात नहीं हो जाएगा। क्या
तो तरीका होता है ना प्रेजेंट करने का, पहले छुरी से काट के रख लें, दूसरा तरीका तो फिर शायद उसको भी पसंद ना आए, तो छुरी से काट के रख लें ताकि उसको सर्व करने की पोजीशन में भी आप पाए। पुराने जमाने में रैपर समेत टॉफी तोड़ी जाती थी और आधी आधी करते थे दोस्त, अब वो चीजें ही नहीं रही। स्पाउट के दो हिस्से हो रहे होते थे, तीन दोस्त थे, तीन तीन हिस्से हो रहे होते थे। आज बैग से अपने कोई चीज निकालें, साथ वाले को गिफ्ट करें अगर है कुछ तो, बॉल पॉइंट कर दें। हाइब्रिड में भी मैं देख रहा हूं कुछ, अच्छा शॉर्पनर, ये क्या कोई अच्छा सा तोहफा मिला हो तो बताएं। लैपटॉप निकाला है भाई ने, 10 रुपए किसने निकाले हैं, 10 रुपए, 10 रुपए के कुरकुरे मिल जाएंगे। ऑनलाइन वाले उठें जल्दी, बहन भाई को जाके गिफ्ट करें। चलें जी आप सारे रुक जाएं। अच्छा अच्छा भाई कैमरा इधर ले आओ। खामोश। अच्छा जी पी अनाउंस डिविडेंड, ये तो हमने नहीं किया आज। एस अनाउंस कर रही थी और ये एस के ओनर थे, जरा ना जाके लिख लें इस पर एस अनाउंस ताकि क्लियर हो जाए। जरा एस अनाउंस्ड, अब इससे मिलती जुलती एक पिक्चर बना रहा हूं मैं। घर वालों को बता दिया मैंने तो, नहीं अभी तक बताया संडे की क्लास ऑन है भाई, अभी ऐसा ऐसा ग्राउंड्स बन रहे हैं अभी। अच्छा 8:30 से 1:15 बजे तक, अच्छा विद अप्रोप्रिएट ब्रेक ऑफ मे बी 30 to 45 मिनट्स। हाँ जी भाई, अब इसमें कोई 5 सिनेरियो नहीं है, ठीक है भाई क्लोज कर दिया करो ना, दीवार आज मोटर चलाते रहते हो, कह दिया बंद करो, बोलना बंद कर दो। पी ने डिविडेंड अनाउंस किया 70 रुपए का, मैंने शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगा के बताया। ओनर्स बाबा जी, इसके ओनर कौन थे, पेरेंट और एनसीआई। इसके ओनर विजुलाइज करें ना, उधर बांटने वाला इधर ओनर, बाबा जी रहमत, बाबा जी रशीद, बाजी रुखसाना, बाजी रशीदा। अच्छा ये कौन है, ओनर्स हैं किसके, पीटीसीएल, ये पीटीसीएल के ओनर्स हैं। अब पीटीसीएल क्या एंट्री करे, बोले डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट, सबर अभी क्यों तस्वीर, पहले इसको पूरा तो होने दें। डिविडेंड डेबिट पेएबल, इनके एंगल से भी कोई एंट्री बताऊं, नहीं, इनकी तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना नहीं रहे, उधर तो जरा दोनों के एंगल से एंट्री थी ना, किसने क्या की उसने क्या की एंट्री, तो दोनों के एंगल से एंट्री थी। और अगर बैलेंस शीट का सवाल चल रहा होगा तो सीआई, मेरा सवाल यह है कि ये एंट्री करनी है या नहीं करनी, ये जरा बता दें, ये एंट्री हमने पोस्ट करनी है या नहीं करनी, अगर कभी सवाल में आ जाए पी अनाउंस डिविडेंड, पी अनाउंस डिविडेंड, तो ये एंट्री सीआरई डेबिट नहीं, एसआरई डेबिट नहीं, वो पेरेंट बांट रहा है, सीआरई डेबिट पेएबल क्रेडिट। एक हरफी जवाब है, हाथ खड़ा करके बताएं, ऐसे मत बताएं, एक हरफी जवाब है इसका। हाँ एक मिनट, कर लेंगे, एक्सेलेंट, पेरेंट ने नहीं की होगी तो कर लेंगे, और अगर कर ली होगी तो इग्नोर कर देंगे, बस सादा सी बात है, ठीक है। तो पेरेंट ने एंट्री कर ली होगी तो चिल, कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं की होगी तो तर लेंगे, ये इसके ओनर्स हैं, ये नोटबुक पे कर लें। द एप्रोप्रिएट प्लेस वुड बी साथ वाले का मत्था, ताकि वो आपको याद भी रहती रही चीज। क्या बनवा के लाएंगे साथ वाले के लिए घर से अपने, फ्रीज करके रान रोस्ट पूरी,
यार चिल का मतलब क्या होगा पता नहीं, आप चिल का मतलब कुछ घर जाके कुछ और ना समझ लें तो कुछ ना करें लिख लें, पता नहीं आप चिल का मतलब कुछ और ना समझ लेंगे तो कुछ ना करें। पीने एंट्री कर ली होगी तो चिल, नहीं की होगी तो तर लेंगे। वो जो तीन लड़कियों का रिश्ता लेने आए थे तो माँ ने मना किया था उनको बोलने से, तो कीड़ी जा रही थी, एक बोली तीड़ी, दूसरी बोली ताडा, कीड़ी नहीं है यानी काटा है, तीसरी बोली तय तो नहीं बोली, मैं तो नहीं बोली, माँ ने मना भी किया था, तुम लोगों का रिश्ता होने लगे बोलना नहीं जी, तो नहीं थी बिल्कुल, अगर यही नहीं पता चला तो फिर बात का फायदा नहीं था सुनने का। अच्छा पहला लतीफा तो ये सुनाया जाता ना बच्चे को, जिस तवे पे नहाई हो वो तवा नहीं है। अच्छा कुछ नहीं। अच्छा बच्चा बोलना शुरू करे तो सबसे पहले उसे कौन से अल्फाज सिखाने चाहिए? हजार पे, हजार पे नाम है, दुआए भाई दुआए, लंबी दुआए। अच्छा चलें आप छोड़ें भाई, डिविडेंड के डिस्कशन जारी रखें, और कुछ हो जाते हैं 50-50 साल के हो जाते हैं वो नहीं पढ़ती ये दुआ, पता ही नहीं होती। अच्छा कल कल दोनों ले आऊंगा, इधर दिखा देंगे ठीक है, लेकिन प्यार से बड़े भाई को जाके कहना यार वैसे तुझे मेरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। पी बोले बोले बोले, पी या जो मर्जी अगला, एस अनाउंस्ड डिविडेंड ऑफ रुपीज 3 पर शेयर, एस ने डिविडेंड अनाउंस किया 3 पर शेयर। एक मिनट एक मिनट, क्या चुप भाई चुप, खामोश। तो फुल डिविडेंड आपने मुझे निकाल के देना है, ये मेरा क्वेश्चन है। एस ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया? रुपीज 3 पर शेयर, और कैपिटल है हमारा 7 लाख रुपए, और 10-10 रुपए की टिकटें चिड़ियाघर ने इशू की हैं, 2,10,000। वैसे मेरा ये मशवरा है कि आप लोग परसेंटेज पहले निकाल लें, इसकी आदत डालें, ऐसे एक और तरीका भी होता है निकालने का, फिलहाल मैं आपको परसेंटेज निकलवा रहा हूँ। परसेंटेज कितना डिविडेंड बांटा? 30%। असल में 10 रुपये जो घर से लाया था उसे कितने रुपये डिविडेंड दिया? 3 रुपये, तो कितने परसेंट डिविडेंड दिया? 30%। अब एस का फुल डिविडेंड ओरेंज सफा रुपीज 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30%, 2 लाख। ये वो हमारे सवाल में आज 50,000 टाइप चीज है। नोट करें, छोटी छोटी चीजें हैं, देखें कॉन्सेप्ट तो वही है, सवाल में चेस डिफरेंट तरीके से हो रही हैं। जी क्या कैसे आया 30%? यार वो 3 रुपए दिए ना 10 रुपए वाले को, 10 रुपए वाले को 3 रुपए दिए, तो इसका मतलब है 30% जिस बंदे ने 10 की इन्वेस्टमेंट की हुई है बिजनेस में उसे हमने 3 रुपए दे दिए। वेल आई एम वेरी अफ्रेड that I may test it in a different way. So, you must have good skills to calculate it like this. हाथ खड़ा करके calculate करवा दें कैसे? To calculate it like this. असल में भाईजान 70,000 shares हैं और एक शेयर होल्डर को हमने 3 रुपए दिए हैं एक शेयर के बदले पर शेयर। 70,000 shares हैं, जरब 3, 2,10,000। आज तक कभी ऐसे उसने पूछा तो नहीं, लेकिन कभी ऐसे डेटा दे दे तो फिर पता होना चाहिए। आई वुड रिकमेंड फर्स्ट अप्रोच, वो ज्यादा बेहतर है, परसेंटेज पहले निकाल लें। सरमाया कितना है इसका? 7 लाख।
7 लाख में कितने शेयर्स इशू हुए होंगे? 70,000 शेयर। एक शेयर जिसके पास है उसे कितना डिविडेंड दिया? तो ये फुल डिविडेंड निकल आएगा इसको, फिर वो परसेंटेज 60% जैसे हमारे सवाल में थे मल्टीप्लाई करके फिर वो इंटरेस्ट उसी तरीके से चलेंगे। अच्छा बहुत अटेंटिव हो जाए, जाने दो, छोड़ दो, इस पर बात ही कुछ छोड़ने लगी है। बड़ा नुकसान ना हो जाए, छोटे नुकसान को इग्नोर करो। पीटीसीएल साथ वाले को प्लीज, सरकार चुप कर जाए, मेरा फ्यूचर है। अच्छा नोट करना सर, ये लें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, साथ वाले इधर देखें, ज्यादा ना कीजिएगा, हल्की सी साथ लोग गुदगुदी करके ना अटेंटिव कर दें, हल्की सी, सॉरी, वापस आ जाए। अच्छा सऊदी किंग बैठा हुआ था और पीटीसीएल वाले बैठे हुए थे और डिस्कशन हो रही थी, यानी ये पेरेंट के ओनर्स बैठे हुए थे और ये सऊदी किंग बैठा हुआ था, तो एक बात सामने आई कि सऊदी किंग आप क्या लेके आए हो? सऊदी किंग ने कहा मैं कैश लेके आया हूँ, मैं जा रहा हूँ यार, सारी कंसोलिडेशन फारग करें, इसको चॉइस में छोड़ दीजिएगा, सऊदी किंग ने पैसे लाने हैं। छोटा सा है वो भी तोड़ देते हैं दिल आप, तो सऊदी किंग ने कैश लाके क्या चार डालने कैश का? ओके, सऊदी किंग के पास क्या है? एस के शेयर्स। ये सऊदी किंग ने, ये टेबल हो रही है और टेबल के दरमियान टॉक हो रही होगी, टॉक, ये टेबल टॉक हो रही है, सऊदी किंग बैठा हुआ है उधर, पेरेंट बैठा हुआ है, इमरान खान बाहर खड़ा हुआ है, भाई जान अंदर ना थोड़ी मेहरबानी, साड़ी अरे साड़ी का चल रही है, ठीक है। अच्छा इसके पास ब्रीफ केस में क्या है? एस के शेयर, ये ब्रीफ केस का मुंह। और इसके पास ब्रीफ केस में क्या है? कैश। बरकत के लिए सऊदी किंग ने कहा पहले खुशबू सुंघाओ, हम इसके पास ले गए, ये एल 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 सोंगली, चला जाओ वापस। हमने कहा हम भी सुंघाएंगे, शेयर्स की खुशबू ही अलग होती है, सुंघो 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 सुंघो, वापस आ जाओ। अच्छा अब सऊदी किंग ने कहा भाईजान कि आप ऐसा करें कि आप जो है ना सब्सिडरी खरीद लें, इस साथ वाले को एक ही दफा देख लीजिएगा क्लास के एंड पे, अभी मुंतजर हैं। सऊदी किंग ने कहा कि आप सब्सिडरी खरीद लें 9 लाख रुपए में। सब्सिडरी कितने में खरीद लें? हमने कहा जी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम तो मसा मर के 7-8 लाख लाए हैं, मसा मर के 7-8 लाख रुपए लाए हैं, हमारे पास तो पैसा पुसा है कोई नहीं और बड़ा मसला पड़ा हुआ है, तो इसलिए प्लीज हम कुछ आपको नहीं करके दे सकते, लेकिन डील फाइनल करें। सऊदी किंग ने अपनी बेगम से पूछा, बेगम ने कहा बेच के आओ सब्सिडरी सर, ताज छोड़ो करें, किसी और थाईलैंड में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये यूरोप में जैसा घीमिया पारा करो। अच्छा सऊदी किंग ने कहा फिर पीटीसीएल भाई गुजारा नहीं चल रहा, तो आप कुछ कंपनसेट करो। एक बात करने लगा हूं, आप लोगों ने सोचनी है, चेहरे को थोड़ा पहले स्माइलिंग मोड पर रखें। पीटीसीएल ने कहा तुम हमारे थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, बस 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 जबर। पीटीसीएल ने हल्का हल्का एक नगमा गुनगुनाना शुरू किया, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, आई थिंक इट्स पॉसिबल, पॉसिबल फील है। अब मेरे ख्याल से सऊदी किंग मालिक बन जाएगा पीटीसीएल का, लेकिन थोड़े से ही शेयर देने, हमने कौन सा उसे कंट्रोल पकड़ा देना पूरा, हम उसे थोड़े से अपने शेयर दे देंगे, तो हम दो चीजें देकर सब्सिडरी खरीद रहे होंगे, दो चीजें देकर आज से कंसोलिडेशन शुरू होने लगी है, अब मेन एडजस्टमेंट्स आने लगी हैं। हम क्या कर लेंगे, थोड़े से पैसे दे देंगे और थोड़े से शेयर दे देंगे और सब्सिडरी को खरीद लेंगे। अच्छा जी पी अब क्या एंट्री करेगा? एस सऊदी किंग इसे क्या देगा? एस के शेयर्स। सऊदी किंग इसको एस के शेयर्स देगा, सऊदी किंग के पास जो है एस के शेयर्स, और
पी इसको कैश देगी और पी के शेयर। अच्छा, ये शेयर सोदी किंग के पास जा रहे हैं, यूफोन के पास नहीं जा रहे, क्या इधर उधर कैंसिलेशन के चक्रों में पड़ना, रिलैक्स हो जाए, कुछ भी नहीं। अब पी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो एंट्रीज करेंगी, पी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो एंट्रीज करेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट। पीटीसीएल विल इशू न्यू शेयर्स फ्रॉम प्रिंटिंग मशीन। पीटीसीएल के पास पैसे नहीं है तो पीटीसीएल प्रिंटिंग मशीन से नए शेयर बना के इसको इशू करेगी, और अब सऊदी किंग पीटीसीएल का मालिक बन जाएगा। मे भी 1-2% शेयर इसके पास हो, अब फिर सऊदी किंग की मर्जी है कि घर जाकर आईएफआरएस 9 लगाए, जो मर्जी लगाए। सऊदी किंग कहेगा आई हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सऊदी किंग अब आईएफआरएस 9 लगाएगा। लेकिन ये बात मैं किस साइड पर ले गया माजरत, यहां तो मैंने नहीं लेके जानी थी साइड पर बात। तो सऊदी किंग को शेयर मिल जाएंगे, किसके शेयर मिल जाएंगे, पीटीसीएल के। और कोई 1-2% शेयर ले लेगा पीटीसीएल के, तो लेकिन ये किसी और से पकड़ के हम नहीं देंगे, प्रिंटिंग मशीन से नए प्रिंट करा के देंगे। तो हम शेयर इशू करने पे क्या एंट्री करते थे, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अब मुझे बताएं, जिसको मैं शेयर इशू कर रहा हूं वो सऊदी किंग है, सऊदी किंग अपनी बेगम को खुशखबरी सुनाएगा, बेगम हबीबी, मेरी बात, हबीबी बंदे को कहते हैं, अच्छा बेगम हबीबी शी, मेरी बात सुन, अच्छा बेगम थोड़े से तेरे लिए पैसे ला रहा हूं, थोड़े से तेरे लिए पाकिस्तानी कंपनी के शेयर ला रहा हूं। बेगम अपनी हबीबी सहेलियों को बताना शुरू करेगी, मैं पीटीसीएल की मालिक बन गई उधर बैठे बैठे, इसे कहते हैं पहुंची सुन। तो उधर बैठे बैठे मैं मालिक बन गई पीटीसीएल के शेयर्स की। अब पीटीसीएल क्या एंट्री करेगा, पीटीसीएल शेयर इशू कर रहे हैं, बोले शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। या हो सकता है हम उसे ये कह दें सऊदी किंग को, यार इंशाल्लाह ना पैसे तुम्हें भेज दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। हम उसे अगर ओनर नहीं बनाना उसे कह दें यार पैसे तो मैं भेज दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। हम सऊदी किंग को कह दें यार हमारे पास तो पैसे कोई नहीं है, हमारी लैंड ले लो, अब क्या कर सकते हैं, फलां जमीन है तुम्हारे नाम लगवा देते हैं। तो देर आर नंबर ऑफ तरीके फॉर एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने के 1000 तरीके हैं। आप पैसे दे दें अपने, आप शेयर दे दें अपने, आप अपनी लैंड दे दें, बिल्डिंग दे दें, या अगले से कह दें यार उधार कर लो। तो देर आर 7-8 एंट्रीज जो इंशाल्लाह कल हमने करनी है। वो एंट्रीज क्या होंगी कि हमारे पास पैसे कम है तो हम थोड़े से पैसे दे देते हैं उसको, और थोड़े से क्या दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं। ये मतलब मुझे पेज नंबर बता दें कौन सा है, ताकि हैंड रिटन पेजेस में हम जाके देख लें, आपको नोट करने की बॉदरेशन ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूं आप हजरात के ऊपर लोड डाल के देखा जाए कि अब जाने से पहले। अच्छा, पीटीसीएल क्या कह रहे हैं, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, अगर फिर भी तसल्ली नहीं आ रही मैं तो कहता हूं मेरी जान ले लो। पीटीसीएल कह रहे हैं मेरी जान ले लो, फिर अगर तुम्हें अभी भी सुकून नहीं आ रहा तो। ये कौन सा सफा यार, पेज नंबर 10, यार ये मिटा दें, ये ऐसे ही बना हुआ ऊपर गलती से, ये ऐसे ही बना हुआ गलती से। यार हेडिंग पढ़ के बताएं, मुझे हेडिंग पढ़ के बताएं, डिस्कशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, किसको खरीदने लगे हैं हम, और बोले सब्सिडरी को, डिस्कशन ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एस, एस की परचेज प्राइस पे डिस्कशन करने लगे हैं। एस की परचेज प्राइस कैसे पे हो सकती है, सऊदी किंग क्या देगा शेयर्स ऑफ एस किसको, पीटीसीएल, बदले में कैश भी दे सकती है और अपने शेयर्स दे सकती है, प्रिंटिंग मशीन से ये नए प्रिंट करा के दिए जाते हैं। पीटीसीएल कैश देने की क्या एंट्री करेगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट, यानी वो जो ब्रीफ केस आ रहा है एस के शेयर्स का, एंड कैश क्रेडिट। और अगली एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट और शेयर कैपिटल, और ये एंट्री कहां पोस्ट हुआ करेगी, पीटीसीएल का तो ये शेयर कैपिटल है ना। तो कल की क्लास में हम शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम किसका अंदर की तरफ रखेंगे, पीटीसीएल का। एस के शेयर कैपिटल कभी अंदर की तरफ नहीं आता, वो नेवर। इस शेयर कैपिटल को अंदर की तरफ रखेंगे, और अंदर की तरफ रखकर हो सकता है हम वर्किंग 1.1 खोलें, और 1.1 वर्किंग खोल के मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टमेंट की फिगर थोड़ी मेहनत करके निकालें, इसमें थोड़ा सा हम उसे कैश दे देंगे, थोड़े से शेयर्स दे देंगे। क्लियर हो गया, तो बता दें ये जो शेयर नए इशू हो रहे होंगे ये पेरेंट की किताबों में कैसे रिकॉर्ड होंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, और अगर फेस वैल्यू पे इशू हो रहे हुए तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल
क्रेडिट, फिर शेयर प्रीमियम की डिस्कशन नहीं आएगी, दो एंट्रीज हो गई हमारी। अच्छा, हर स्टैंडर्ड में एक चीज आती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या आती है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट सऊदी किंग पे नहीं करेगा, करे तो हमें उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे किया करेगा पीटीसीएल। पीटीसीएल लॉयर को बुलाएगा और लॉयर को बुला के कहेगा यार ये डील करानी है, जरा हमारे दरमियान बैठ जाओ। लॉयर कहेगा मैं इंश्योर करूंगा कि निकाहनामे के ऊपर सारी चीजें सही लिखी जाएं, दोनों पार्टीज खुश हों। तो जिस वक्त ये डील हो रही होगी तो लॉयर, ये टेबल के ऊपर आप बिठा देते हैं लॉयर को, लॉयर टेबल पे बैठ के मुंह इधर उधर करके जो है वो चीजें नोट कर रहा होगा। लॉयर एंड पे जाके कहेगा भाईजान रोकड़ा मेरी फीस। अब दो ऑप्शंस हैं, पीटीसीएल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या एंट्री करे, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कैपिटलाइज करे या एक्सपेंस आउट करे। मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड ना पढ़ाया नहीं, मैं बताऊंगा तो करना। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन बाइंग सब्सिडरी शेयर्स, एग्जांपल गिवन प्रोफेशनल फीस लीगल चार्जेस, इसका अच्छा नाम लिखें एक्यूजिशन रिलेटेड कॉस्ट, ये सऊदी किंग के अलावा की पेमेंट है। एक्यूजिशन रिलेटेड कॉस्ट्स, किसको खरीदने का खर्चा, लेकिन ये खर्चा वो नहीं है, ये लॉयर को पेमेंट की है। कॉस्ट पे टू सऊदी किंग 100 रुपया, इसकी एंट्री बता दें, और इसकी एंट्री बता दें लीगल एंड कंसल्टेंसी फी पेड टू लॉयर, एक्सपेंस में डालते हैं, इसको कैपिटलाइज नहीं करना, बस ठीक है, स्टैंडर्ड की अपनी थीम है, एक्सपेंस डेबिट। तो बताएं जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन कंसोलिडेशन विल बी कैपिटलाइज्ड या एक्सपेंस्ड, एक्सपेंस्ड, डन। अच्छा जी, पी एक्वायर्ड एस बाय पी एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ एस पेमेंट मेड इज रुपीज 200 मिलियन, पी इशूड इट्स शेयर्स, पी इशूड इज 3,000 शेयर्स टू ओल्ड ओनर्स ऑफ एस, समझ आया टू ओल्ड ओनर्स ऑफ एस, बातें कर लेना फिर, पी इशूड इट्स 3,000 शेयर्स टू ओल्ड ओनर्स ऑफ एस, शेयर्स फेयर वैल्यू इज रुपीज 17, हाउएवर फेस वैल्यू इज रुपीज 10। बताएं जी 200 मिलियन की एंट्री, चलो 20 मिलियन करना, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से 20 मिलियन, एक मिनट, पी पेड लॉयर फी रुपीज 70,000। अच्छा इसको तो अलग रख लेना फिर, अगली एंट्री तरफ बताएं, हिम्मत करें, इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अच्छा जी बताएं जी 3,051,000, बड़ी अजीब सी फिगर्स हो गई हमारी, 20 मिलियन है उधर और इधर बरकत के लिए सिर्फ 51,000 है, चलें कोई नहीं, खैर है हमने तो कॉन्सेप्ट करना है 51,000। एंड शेयर कैपिटल 30,000, 21,000, थोड़े से पैसे ले लो थोड़े से शेयर ले लो। और तीसरी एंट्री अब पता नहीं पीने ये एंट्रीज की होंगी नहीं की होंगी, उनको हम इंशाल्लाह सवाल में देख लिया करेंगे, ये तीन एंट्रीज कर लें, 1, 2, 3।
मुझे बताएं सऊदी किंग की बीवी को या सऊदी किंग को जो शेयर्स मिलेंगे उनकी वो बाजार में कीमत पता चलवा लेगा, किसके शेयर्स? पीटीसीएल के शेयर्स। तो पीटीसीएल के शेयर्स बाजार में माशाल्लाह 17 रुपए के हैं, तो 17 वाली चीज हमें मिल गई है सऊदी किंग को। बस दूसरी एंट्री पे फोकस करें, पहली और तीसरी तो आसान है। जो डील हो रही थी सऊदी किंग को हमने 20 मिलियन रुपया पकड़ाया और सऊदी किंग को हमने अपने कितने शेयर दिए? 3000। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट 3000 ज़रब 17 और शेयर कैपिटल हमारा बढ़ गया 3000 ज़रब 10 और शेयर प्रीमियम 3000 ज़रब 7। आखिरी एंट्री आपने मुझे बतानी है, एक और है वो मैं अगला सवाल लिख रहा हूं। ये तो याद रहेगा ना, शेयर कैपिटल 10 रुपए से क्रेडिट होने और शेयर प्रीमियम, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट तो बैलेंसिंग भी आ जाया करेंगी, वो कोई मसला नहीं। पी एक्वायर्ड एस, बाय ट्रांसफरिंग इट्स बिल्डिंग टू ओल्ड ओनर्स। ओल्ड ओनर कौन है? टू ओल्ड ओनर्स ऑफ एस। ऐसे ना देखें, हा हा। अच्छा चलें वो मीटिंग खत्म करें, नई मीटिंग शुरू करते हैं। फर्ज करें जी ना रजिस्टर ना 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 रजिस्टर ना, अच्छा फर्ज करें कि पीटीसीएल और सऊदी किंग की डिस्कशन हो रही थी। सऊदी किंग ने कहा भाईजन क्या लाए हो? हमने कहा भाईजन 1 रुपया नहीं लाए, कस में पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। यानी एक बच्ची थी उसके पास 1 रुपया भी नहीं था और ऊंची ऊंची बोली थी मैंने मेले पे जाना है। तो पीटीसीएल ने कहा भाई पल्ले नहीं तेला, कोई कोई कुछ नहीं मेरे पास, पागल हो तुम, टाइम जाया करो मेरा। कौन बोला? शुक्र है इतनी है, टाइम जाया करने के लिए लाया। तो मैंने कहा क्या करें, बड़ा दिल चाह रहा है सब्सिडरी लेने को, दिल चाह रहा है यूफोन हमारी हो जाए, तो क्या फिर करोगे क्या? जान ले ले हमारी, ये ले बंदूक पकड़े, जान ले हमारी। सऊदी किंग ने कहा ज्यादा हो जाएगी ये, मिलना भी कुछ नहीं। अच्छा कुछ कोई पीड़ित, हाँ वो गुलबर्ग के अंदर मेरी एक बिल्डिंग है वो ले लो। खुद ही ने कहा यार खीर हो गई है, जबरदस्त जबरदस्त। तो अब हम जाएंगे एलडीए के दफ्तर, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची वाले कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोयटा वाले क्यू डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां जाएंगे और जाकर पीटीसीएल वाले कैश उसके नाम लगवाएंगे या उसके नाम अपनी बिल्डिंग लगवा देंगे। बातें होगी इनको जरा, हाँ अब सीए कहते हैं। अच्छा मुझे कोई बंदा बता दे अगर पीटीसीएल ये बिल्डिंग बेचती तो क्या एंट्री करती? वो डिस्पोजल की जनरल एंट्री बता दें, अगर पीटीसीएल ये बिल्डिंग बेचती तो क्या एंट्री करती?
डन, पेटी सीएल बिल्डिंग बेचती तो ये एंट्री करती। सो हिम्मत हिम्मत फिगर्स, फेयर वैल्यू थोड़ा सा चेंज करा दें, इसको थोड़ा सा चेंज करा दें। मुझे तो नहीं कैश आया, बट डिस्पोजल की एंट्री थी। हाँ सर शुगर ही लाया, जाने जाने शुगर ला दिया करो, शुगर ही लगाया। एंट्री को थोड़ा सा चेंज करें, मैंने बेच दी अपनी बिल्डिंग या मैंने अपनी बिल्डिंग उसके नाम लगवा दी और शेयर्स ले लिए। हैव आई डिस्पोज द बिल्डिंग एंड रिसीव, उर्दू, क्या मैंने बिल्डिंग बेच के कैश ले लिया या बिल्डिंग बेच के एस के शेयर्स ले लिए। लिखें जस्ट लाइक डिस्पोजल जनरल एंट्री। थोड़े से हाँ, ये फेयर वैल्यू पे डील होती है ना, क्योंकि हम सऊदी किंग को जो चीज होगी फेयर वैल्यू पे डील हुआ करेगी, उधर भी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू से डेबिट किए हैं। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से अच्छा यार, पूरा दे करन दिया कर, लप पे आती है फिर रोक दिया तूने। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, थोड़ा सा प्लांट ले लो, थोड़ी सा फर्नीचर ले लो, थोड़ी सी जान ले। अगर फिर भी सऊदी किंग का नशा पूरा नहीं होगा, होंगे कि थोड़ी सी जान ले लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, यू फॉर्म जान यार। सारी बात की ने जो है ना एंड पे दही बना दिया। हमें क्या चाहिए बोले, हर हाल में हमें यू फॉर्म के चेयर चाहिए। हम चाहते हैं मरने से पहले यू फोन पे अपना कंट्रोल साबित अस्तगफुरुल्लाह करके, और मरने से पहले ये ख्वाहिश है कि यू फोन पे हमारा कंट्रोल हो। जाएं भाई जाएं, साथ अलग को ले जाएं, आज देखी जाएगी इतनी जल्दी। दो मिनट आपके मैंने आज, हाँ क्लोज।